विगत 3 दिन पहले जो राव में जो घटना हुई थी, जिसमें राव वालों ने 2 बसों को जला दिया गया था, उसके विरोध में हम लोगों ने जो है राव से आना जाना बंद कर दिया गया था। उसका कारण यह था कि हम सब मोटर मालिक जो थे वो ड्राइवर करने इतने भयभीत थे, क्योंकि उनके बाद बार बार धोस भरी जाती है, गाड़ी यदि अंदर लाओगे तो जला दी जाएगी। ऐसी स्थिति में हमने लगातार 2 दिन तक गाड़ियाँ नहीं चलाई, परंतु कल हमको RTO द्वारा मतलब मीटिंग ली गई और मीटिंग में ये बताया गया कि यात्री लोग परेशान हो रहे हैं और आपको गाड़ी चलाना चाहिए। हमने हमारी परेशानी से उनको अवगत करा गया। उस परेशानी को लेकर RTO ने श्रीमान कलेक्टर महोदय से बातचीत करी और शाम को देर रात तक में जो कलेक्टर साहब ने हमको निर्देश दिया कि आपकी पूरी सुरक्षा की जाएगी और आप यात्रियों सुविधा के लिए गाड़ी चलाइए। हमने अंततः कलेक्टर साहब का कहना और RTO साहब का कहना मानकर और राजेंद्रनगर उस समय राजेंद्रनगर TI मौजूद थे, उनके समक्ष हमने ये निर्णय लिया कि हम राव से गाड़ी चलाएंगे और यात्रियों को सुविधा देंगे। और अंततः हमने जो है आज सवेरे से जो है राव से होकर सब गाड़ियां चलाई है। हालांकि बीच में कोई विवाद हुआ जरूर है, परंतु हमारे साथी लोग वहां पर मौजूद हैं जो विवाद को टालने की कोशिश कर रहे हैं और यात्रियों को पूरी सुविधा मिलेगी और गाड़ियाँ चलती रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर लाल। कहाँ पर रहते हैं? मैं पीतमपुर में रहता हूँ सर। नौकरी कहाँ पर करते हैं आप? राजेंद्र नगर में। तभी क्या हुआ था आपके 2 दिन? अरे सर, यहाँ से जाते थे कहीं टाइम से भी नहीं पहुँचते थे सर। यहाँ से जाए तो राजेंद्र नगर जाना था तो कहीं भौरको में छोड़ दें, वहाँ से आए तो उधर भी डबल किराया लगे सर वहाँ से यहाँ आने में, और परेशान होते थे, टाइम से नहीं पहुँचते थे वहाँ से ऑफिस, वहाँ से भगा देते थे अपन हम लोगों को। एक बार नाम और बोल रहा शंकर लाल मिश्रा।